हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, किंग शो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और इतनी प्यारी सी बनके आज मैं कहां पे आई हूं, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए आई हूं, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा तंग करते हो, हर वीडियो के नीचे लिखते हो ममता जी गोल्ड शॉप पे कौन सी वाली पे जाएं, कहां पे मेकिंग चार्जेस कम मिलते हैं, कहां पे डिजाइन अच्छे मिलते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएं और आपको कुछ दुबई की गोल्ड की वैरायटी भी दिखा दूं, ताकि आप जब यहां घूमने के लिए आए तो आप ढेरों सारा गोल्ड अपने लिए खरीद के लेके जा सकते हो, एज अ ज्वेलरी, एज अ गोल्ड बार इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको एक ऐसी दुकान आज मैं दिखाऊंगी जिसमें मेकिंग चार्जेस जीरो है। जीरो का मतलब जीरो हर एक चीज के ऊपर, चाहे कड़ा खरीदो, चेन खरीदो, अंगूठी खरीदो, नेकलेस खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको कोई भी मेकिंग चार्ज जो है बिल्कुल नहीं देना। आई स्वेट गॉड, मैं मजाक नहीं कर रही, आई नो आप लोग मेरे पे बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अभी आपको बिलीव होगा जब हम चलेंगे इस दुकान में। तो चलिए आपको अंदर लेके चलती हूँ साथ में। सो हां जी, ये है वो दुकान जिसका नाम है अनवर लग्जरी। ये दुकान आप देखिए कितनी, माय गॉड, लोडेड है गोल्ड के साथ। मैंने दुकान में मतलब एक के ऊपर एक इन्होंने नेकलेसेस जो हैं वो टांगे हुए हैं, कितनी ज्यादा बैंगल्स, माय गॉड। और खाली यही नहीं, आपको अंदर जाके भी दिखाती हूँ कि कितना सारा सामान इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, माय गॉड। आपकी ममता सचदेवा झूठ नहीं बोलती कभी, इन्होंने लिख के लगाया हुआ है ऑल आइटम जीरो, मतलब ऑल के ऑल आइटम जीरो चार्ज पे हैं, मजाक नहीं है ये कोई। 22 कैरेट है पूरे दुकान में, जो भी सामान है 22 कैरेट का है। और इनके पास हॉलमार्क भी है, और गवर्नमेंट दुबई की जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो वो आते भी रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं। तो चलिए इस दुकान को अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कलेक्शन है, स्टाफ कैसा है, और हमें क्या क्या यहाँ पे मिलेगा जीरो मेकिंग चार्ज में। So women rings are also beautiful. So जी फाइनली ले आई हूँ आपको दुकान के अंदर, दिखाने वाली हूँ आपको यहाँ की कलेक्शन, इतनी अमेजिंग कलेक्शन इनके पास है। और अब आप कहोगे ममता जी झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मेकिंग चार्जेस लेते होंगे, कहीं ना कहीं तो लेते होंगे, किसी न किसी चीज पे तो लेते होंगे। भाई नहीं लेते, किसी भी चीज पे नहीं लेते मेकिंग चार्जेस। आप कभी भी आना, चेक करना इस दुकान को, जीरो 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 मेकिंग चार्जेस हैं हर चीज के ऊपर, गारंटी दे रही हूँ। दूसरी चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये पीछे आपको स्क्रीन नजर आ रही है इनकी दुकान में लगी हुई, वो हर दुकान में यहाँ पे लगी होती है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि चीज प्योर हो, आपको क्वालिटी चीज मिले, कोई भी उसमें छेड़छाड़ ना की हो, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इस मामले में। सेकंड, जो प्राइस भी है उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल है दुबई गवर्नमेंट की, कि जो यहाँ पे पब्लिश रेट होता है आपको उसी रेट के ऊपर ही जो है सामान मिलता है। बाकी अभी मैंने ट्राई की है, एक चीज आपको दिखाऊं, ये देखो ये कितने तोले का होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, गेस करो आप। काफी हैवी लग रहा है, मेरी तो बाय नहीं उठ रही है, दिल तो एक्चुअली कर रहा है लेके भाग जाओ, पर पुलिस पकड़ लेगी मुझे तो। लेकिन यू नो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पीस, मजाक साइड में रखते हैं। देखो आप इसकी ऊपर बना हुआ काम देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये है 30 तोले का, आई एम नॉट जोकिंग, 30 तोले पहन रखे हैं मैंने। बाकी ये भी मेरी गोल्ड ज्वेलरी है भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे गोल्ड का बड़ा शौक है तो, लेकिन ये तो भाई पहन के मजा ही आ गया। तो जी आपको दिखा रही हूँ 1 किलो गोल्ड बार, माय गॉड, डंबल के साइज का है, इसकी भी कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। आप देखो इसको 1 किलो है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 100 ग्राम के, जिसको हम इंडिया में बिस्किट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये स्विस मेड है, मैंने ये पहले पहले खरीदे हैं काफी बार, और मैंने हमेशा मेकिंग चार्ज दी है। इनके यहाँ पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं है इसके ऊपर भी, आपको बिल्कुल जो गोल्ड का प्राइस है, ऑफ कोर्स ये 24 कैरेट है तो आपको उतना ही देना है जितना गोल्ड का रेट है, इसका सर्टिफिकेट नंबर हर चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। ये है जी कोलकाता डिज़ाइंस, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। सो ये वाला डिज़ाइन देखो, और आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये डिज़ाइन कहाँ का है, एनी गेसेस। ये डिज़ाइन है जी टर्की का, हाउ प्रिटी इट इज। सिंगापुर नहीं गए, उनको हम यहीं पे ही दिखा देते हैं अभी, सिंगापुर वाले कैसा गोल्ड पहनते हैं। ये है जी सिंगापुरियन डिजाइन। सो अब बारी आती है अभी हमारे दिल्ली वालों के डिजाइन्स की, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं प्योर चीजों में, तो ये हैं आपके पसंद की प्योर चीजें, और इनके पास मिलते हैं मंगलसूत्रा भी। और डिजाइन देखिए बिल्कुल कितने प्यारे प्यारे डिजाइन है। सो बॉयज दिस इज फॉर यू,
हाँ जी, ये देखो आप, ये चेन्स हैं बहुत ही हैवी, ठीक है, कोई 200 ग्राम, कोई 300 ग्राम, कोई 400 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये हैं सारे ब्रेसलेट्स। इसमें और भी वैरायटी इनके पास है, बहुत सारी वैरायटी है, आप देख सकते हो इस शॉप में। ये तो सिर्फ सैंपल अभी बाहर मैंने रखवाया है, ठीक है, ये सारे चेन्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी ब्यूटीफुल रिंग्स भी हैं, शादी के लिए या वैसे ही अगर आपने किसी को गिफ्टिंग करनी हो तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन इनके पास आपको मिल जाएंगे, मेन कलेक्शन में भी। और ये तो भाई आधा किलो, माय गॉड, 50 तोले बनते हैं ना, 50 तोले होते हैं ना, ये 50 तोले की गोल्ड चेन है भाई। ये निकाल के दिखाना मेरे हाथ पे, ज़रा देखूँ तो सही क्या है ये। 50 तोले पकड़ के देखें कैसे होते हैं भाई। ओ ओ ओ ओ, ये भाई इतना हैवी चेन है 50 तोले का। ओ माय गॉड, होल्ड करने में भी पेन हो रहा है हाथ में भाई। मेन रिंग्स तो पहनते ही हैं, उसके साथ में उनको कड़े भी चाहिए होते हैं। इनके पास बहुत वैरायटी है कड़े की, भरे पड़े हैं कड़े, देख सकते हो आप। इस सबके बारे में बात हो रही है तो बच्चों के बारे में बात क्यों ना हो। कितनी प्यारी प्यारी बैंगल्स हैं बच्चों के लिए, माय गॉड, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन पड़े हुए हैं इनके पास। आपको पता है ना, यहाँ पे लोग बच्चों के लिए बहुत सारा गोल्ड खरीदते हैं, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट यार भाई। मेन कलेक्शन में ये देखो, इनके पास कितनी प्यारी प्यारी चेन के डिजाइंस हैं, हैवी लाइट हर तरह की आपको चेन मिल जाएगी यहाँ पे। कितने ग्राम से शुरू होता है? 10 ग्राम से शुरू हो जाता है ना चेन, 10 ग्राम, 12 ग्राम, पूरा है, पूरा कलेक्शन है। सो ब्यूटीफुल, देखो भरी पड़ी है दुकान यार, लदी पड़ी है इतनी सारी चेन्स, माय गॉड। एंड जीरो मेकिंग चार्ज, यू डोंट पे एनीथिंग, ओनली फॉर द गोल्ड। छोटी चेन्स हैं, ये बच्चों के लिए हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए भी लोग गोल्ड इन्वेस्ट बहुत करते हैं, तो ये थोड़े छोटे साइज की चेन मेरा दिल की आपको दिखाऊं मैं, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन हैं इनके पास। सो जी, ये सोनी सी ब्यूटीफुल सी कुड़ी कॉल मिली है मुझे, इसका नाम है रानी, प्रिंसेस, एंड प्रिंसेस इज बाइंग गोल्ड फ्रॉम हियर एंड शी इज वेरी यंग। तो मैंने पूछा कि सारे यंगस्टर्स जो है वो भी सोचते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों? तो ये बताएंगे कि क्यों हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड सबसे अच्छा है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, एटलीस्ट सेविंग पर्पज से भी बेस्ट है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनकी सोच भी ऐसी है? मे बी मैक्सिमम, एंड लेडीज है तो हमें पसंद है गोल्ड। पता है मैंने कब इन्वेस्ट करना शुरू किया था? व्हेन आई वाज 21 इयर्स ओल्ड, तब से मैं गोल्ड खरीदती हूँ। एंड अभी मेरे पास कितना है मैं बताऊंगी नहीं, रॉबरी नहीं करवानी ना, चोरी नहीं करवानी। थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू, थैंक यू, वेलकम टू दुबई। एंड शी इज टूरिस्ट हियर, घूमने फिरने के लिए आई है, अभी मेरी फ्रेंड बन जाएगी। सो ये डिजाइन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना प्यारा डिजाइन है, पहले तो आप इसको पास से देखो, कितना सुंदर डिजाइन है। ये टर्की का है, देखिए, ये सेपरेट नेकलेस मैंने ऊपर डाला है, नीचे ये डाला है, एंड इसके साथ के प्यारे प्यारे इयररिंग्स लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। तो ये टर्की का डिजाइन है, सो प्रिटी। ये डिजाइन देखो भैया, क्लोज आके दिखाती हूँ आपको, ये एंटीक है, ये सेमी एंटीक है, ये भी सेमी एंटीक है। आप कलेक्शन देखो, ये पहले तो पास करके आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने गोल्ड में इतना इन्वेस्ट किया है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, और मैं अभी बात कर रही थी इनसे, मैं कह यार तुम लोगों की दुकान मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली ऐसे सेट्स के ऊपर अराउंड 30-40-50 दिरहम पर ग्राम भी मैंने पे किया है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना सारा पैसा तो मेरा गोल्ड के रेट में ही। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब गोल्ड का रेट भी बहुत कम होता था, लेकिन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो मेकिंग के रूप में मैंने मतलब गोल्ड का रेट ही उनको दिया है, तो बहुत ज़्यादा मैंने पैसा बर्बाद किया है। तो आप मत करो, अगर आपको लगता है कि यू नो ये डिज़ाइन आपको कहीं पर भी मिलेंगे बिना मेकिंग के, आई डोंट थिंक सो, सिर्फ इसी दुकान पे। बाकी एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट की है, बाकी दुकानों में कई जगह है जहाँ पे वो लिखते हैं कि फ्री मेकिंग चार्ज लिखते हैं लोग, लेकिन हर चीज़ पे फ्री मेकिंग चार्ज आपको इस दुकान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा दुबई में। इनकी दुकान में गोल्ड बिस्किट खरीदो, चेन खरीदो, कड़ा खरीदो, अंगूठी खरीदो, इयररिंग्स खरीदो, छोटे से छोटा गोल्ड खरीदो, बड़े से बड़ा गोल्ड खरीदो, चाहे किलोज में खरीदो आप, मेकिंग चार्जेस हर चीज़ के ऊपर इनके जीरो हैं। मतलब जो गोल्ड का रेट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा वही गोल्ड का रेट आपने इनको देना है। मान लीजिए 10 ग्राम आप खरीद रहे हो तो जितना गोल्ड का रेट है उसको मल्टीप्लाई करके जो रेट बनेगा वही आप दोगे। उसके अलावा बस जो गवर्नमेंट की तरफ से वैट है, VAT, वो तो सब जगह लगता है, वो कोई यही दुकान नहीं कि ले रहे हैं, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको वो वैट भी जो है वो वापस मिल जाता है जितना आपने यहाँ पे किया होता है। ऑल यू हैव टू डू इज कि यहाँ बिल में आपको एक एक्स्ट्रा रिसीट दी जाती है, जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे वापस जाने के लिए, एग्जिट करोगे कंट्री को, तो आप अपना वो पैसा जो है वो वापस दे सकते हो। सो है ना अमेजिंग चीज। मैं जा रही हूँ स्टोर से बाहर, इनका गोल्ड लेके भाग रही हूँ,
ठीक है, कोई पीछे नहीं आया चेक करने के लिए। दुबई इतना सेफ है कि लोग एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि चाहे आप उनका एक किलो सोना पाके ना बाहर एक छोटी सी वॉक भी ले लो। मजाक कर रही हूँ मैं। तो ये है जी वो दुकान, ठीक है, और हर जगह इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जीरो मेकिंग चार्जेस हैं एंड दे रियली मीन इट। अभी मैंने आपको सारी कलेक्शन भी दिखा दी है, इनके पास काफ़ी कुछ है, बैंगल्स हैं इनके पास, नेकलेसेस हैं, लाइट ज्वेलरी है, हैवी ज्वेलरी है, बहुत तरह की ज्वेलरी है। स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है इनका, बहुत कोप अप किया इन्होंने मेरे साथ में, और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और इतनी भरी हुई दुकान मैंने सीरियसली कोई नहीं देखी। आई थिंक डब्बों के नीचे भी इन्होंने डब्बे भर भर के रखे हुए हैं। आई थिंक दे ऑर्डर इन बल्क, जिससे इनको रेट भी अच्छा मिलता है गोल्ड का, जिससे ये लोगों को भी यू नो अच्छा रेट दे पा रहे हैं विदाउट मेकिंग। मैंने आज तक कोई दुकान नहीं देखी जिसमें सब कुछ विदाउट मेकिंग मिल रहा हो। आई नो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बट दिस इज लाइक अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस शॉप। वैरायटी, गुड गोल्ड, हॉलमार्क्स लगे हुए हैं, दुबई गवर्नमेंट हमेशा चेक करती है शॉप्स को, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज अप टू द मार्क एंड डिजाइंस आर अमेजिंग एंड यू गेट एवरीथिंग इन वन शॉप। बाकी इधर भी आपको दुकान थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ। आई थिंक एक साइड दिखाया एक साइड नहीं दिखाया, तो आप देखो कितनी प्यारी दुकान है ये। मैं यहाँ पे एक दिन आई, ठीक है, एक दिन आई यहाँ, दुकान पूरी खचाखच भरी हुई, इतने सारे लोग हैं, मैंने बाहर से देखा, मैं कह नहीं आज मैं आराम से नहीं देख पाऊंगी और वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो मैं वापस चली गई। फिर मैंने इनको फोन किया, मैं कह आई प्लीज कम एट अ टाइम जब बहुत ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि मैं सबके सामने वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। तो फिर मैंने मॉर्निंग का टाइम इनसे लिया, तो मैं सुबह सुबह 10 बजे इनके स्टोर में आ गई और वीडियो बना रही हूँ। देखो 10 बजे भी ऑलरेडी कितने कस्टमर हमें मिले हैं यहाँ पे, सो मीन्स ये शॉप हमेशा भरी रहती है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस ही नहीं है ना, आपसे एक रुपया नहीं ले रहे फालतू, मतलब एक दरम फालतू नहीं आपको देना पड़ रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थोड़ा हाथ ही ला दीजिए सारे, थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम कमिंग बैक अगेन। मैंने अभी कुछ खरीदा भी है अपने लिए, तो जाती हूँ मैं इसको लेकर, आई एम श्योर अमित इज गोना बी वेरी हैप्पी। आई एम नॉट बाइंग ऑल दिस नाउ, मे बी आई एम, बट मैं वीडियो में थोड़ा ना बता के आपको लूंगी कि मैं क्या ले रही हूँ, चोर बुलवाने मैंने अपने घर में। तो जी खरीदा है मैंने अपने लिए क्या, आप कहेंगे सिर्फ पहन पहन के दिखा रही हो, खरीद तो कुछ रही नहीं हो। ये मैंने चेन एक पसंद की है, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी आपको। ये 44 ग्राम्स की है, मतलब 4 तोला की है, एंड मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा सा मैं भी कुछ ले लूँ, क्योंकि ईद आ रही है, तो ये मेरा सेल्फ गिफ्ट है। तो अभी मैं इसको खरीदूंगी और निकलूंगी स्टोर से फाइनली, क्योंकि बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की, बट आई एम श्योर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों के जो मैं पैसे बचा रही हूँ ना, बिलीव मी, बाकी सब जगह आप जाओगे ना, मिनिमम मेकिंग भी आपको 8-9-10 दरम पर ग्राम तो मिलती ही मिलती है, किसी भी डिजाइन की भी, मतलब यहाँ तो इतने अच्छे डिजाइन हैं। और जीरो मेकिंग, सीरियसली मैं खुद बहुत हैरान परेशान हो गई कि मैंने अपने इतने पैसे की बर्बाद किए पहले। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन इस दुकान की है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इनका फोन नंबर, इनकी लोकेशन, इनकी दुकान का जो भी डिटेल है, तो प्लीज इनकी दुकान पर एक बार जरूर आइएगा और इनसे मैंशन भी कीजिएगा हम ममता सिंहदेवा जी की वीडियो देख के आए हैं, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं उठाती हूँ अपना शॉपिंग बैग और निकलती हूँ यहाँ से। बाय।